गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आज हम आपको संस्कृत का चैप्टर 9 करवाएंगे। हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था एक है कुत्र गत है, एक कहाँ गया, ठीक है। एक कुत्र कहाँ गत है गया, ये हमारा चैप्टर था कि 10 फोर्थ क्लास के चौथी कक्षा के 10 विद्यार्थी कहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, नदी पर जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, सभी स्नान करके जब वापिस आते हैं तो उनका जो एक क्या था हेड, मतलब कि उनका जो नायक था आशीष, वो सभी को काउंटिंग करता है, उनको गिनता है। तो क्या है, उन सभी को गिन लेता है, स्वयं को गिनना भूल जाता है। फिर वो कैसे सभी चिंता में मग्न हो जाते हैं कि हम 10 बच्चे थे, उसमें से हम 2 ही हैं। तो फिर वहाँ पर एक पथिक आता है, पथिक फिर उनसे चिंता का कारण पूछता है। जब आशीष उसको बताता है तो जो पथिक यात्री था वो उन सभी बच्चों को काउंटिंग करता है, गिनता है। फिर आशीष से कहता है कि बेटा तुमने अपने आप को नहीं गिना है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वे सभी उस यात्री को धन्यवाद देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये हमारा चैप्टर था। उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे, अब उसकी एक्सरसाइज देखिए। उसकी एक्सरसाइज है सम्यक उत्तरम चिन्हांकित कुरुते, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएंगे। एकदा चतुर्थी कक्षाया 10 बालका डैश नद्या तटे आगच्छन, कहाँ गए थे, एक बार चौथी कक्षा के 10 बालक डैश नदी के तट पर गए। क्या करने गए, स्नान आए स्नान करने के लिए, क्रीड़ाए खेलने के लिए, भोजन आए भोजन करने के लिए। सभी देखिए तो क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, सम्यक उत्तरम चिन्हांकितम् कुरुते। जैसे देखिए हम आपको लिखते हैं, एकदा चतुर्थी कक्षाया 10 बार कहा डैश नद्या तटे आगच्छन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इनके, वो देखिए लिखेंगे, ऑप्शन लिखते हैं, स्नानाय क्रीडाय भोजनाय। अगला है ख, है देखिए बाल का नाम नायक है आशीष, उन राहुल आशीष आशीष कपिल, ख ग देखिए आगे एक है बालक है न अस्ति। क्या लिखेंगे देखिए, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे देखिए एकदा एक चतुर्थी चौथी कक्षा है, कक्षा के 10 बालक
नद्या नदी पर तटे नदी के तट पर किनारे पर आगच्छन्न गए। किस लिए गए थे? स्नान करने के लिए, खेलने के लिए, भोजन करने के लिए। तो लिखेंगे स्नान करने के लिए। सभी इस पर टिक करके ध्यान लगाएंगे। आगे देखें ख डैश बाल का नाम नायक है आशी। बालकों का नायक कौन था? राहुल है, आशीष है, कपिल है, आशीष। एक है बालक ने, क्या लिखेंगे? एक बालक नहीं आशिक था, स्तर अस्थि। तो लिखेंगे अस्थि। सभी लिखेंगे सभी बच्चे इसको रिवाइज करें, अपने बुक में फिल करेंगे। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यते। रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए ते सर्वे नद्याम, क्या करने के गए थे वे? स्नानाम। लिखेंगे स्नानाम। आशीष है चिंता मग्न है अभवत। इदानीं नव बालकाः एव सन्ति। तेन सह सर्वे बालका शोक मग्ना है अभवन। सभी लिखेंगे इसको। सभी बच्चे लिखें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखेंगे। अधोलिखितानां क्रियानां पुरुषः वचनं च लिखत। निम्नलिखित क्रियाओं के पुरुष और वचन लिखेंगे। ठीक है, पुरुष और वचन। ठीक है, ये हमारी क्रिया है। क्रिया क्या है हमारी? अगच्छन। पहली क्रिया क्या है? अगच्छन। इसका क्या पुरुष है? लिखेंगे प्रथम पुरुष एक बहुवचन। ठीक है, सभी लिखेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे देखिए, अगच्छत प्रथम पुरुष एक वचन। आगे प्रथम पुरुष
एक वचन, उसके आगे देखिए ए भवन, प्रथम पुरुष बहुवचन, फिफ्थ आगच्छत, प्रथम पुरुष एक वचन, अवदत, प्रथम पुरुष एक वचन, आगे है असत, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, ये हमारी क्रिया है, ये हमारे पुरुष है, ये हमारे वचन है। सभी लिखेंगे इनको, अपने बुक में फिल करेंगे। सभी ने लिखे फिफ्थ क्लास, उससे आगे देखिए क्या है, संस्कृत ते अनुवादम लिखत। उससे अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी अनुवादम लिखत। संस्कृत में अनुवाद क्या है देखिए, जैसे हमने चैप्टर को पढ़ा था उसमें से आपको कुछ शब्द वाक्य दिए गए हैं, जैसे आशीष उनका नायक था। तो जिस प्रकार आप, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो उसका क्या लिखोगे, आशीष है तेषाम, नायक है आशीष। उसके बाद में जब नदी के तट पर आए, तदंतर है ते नद्या तटे आगता, हम सब हैं यहाँ नहीं, या नहीं वयम सर्वे, हम सब स्म हैं या नहीं, ने वा, अब नौ बालक ही हैं, इदानीम नौ बालका एव सन्ति। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, उसको अच्छे से समझा है, तो आपको उसकी हिंदी की संस्कृत लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार संस्कृत की कुछ लाइनें पीछे चैप्टर से उठाकर आपको इसमें क्वेश्चन में दी हैं, ते सर्वे नद्याम स्नानम अकुर्वन, तो इसकी हिंदी क्या है, उन सभी ने नदी में स्नान किया। आशीष है चिंता मग्न है अभवत, आशीष चिंता में डूब गया। एक है बालका न अस्ति, एक बालक नहीं है।
बालकान गणित्वा स ए हसत, बालकों को गणित्वा गिनकर स वह हस ए हसत हसा। दसह बालक है तुम एव असी, दसवें बालक तुम ही हो। किसने कहा था? पथिक यात्री ने। यात्री ने उन सभी बच्चों को गिना तो यात्री क्या था, हंसने लगा। उसने कहा कि दसवें बच्चे तो तुम स्वयं ही हो। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी बच्चे इसकी हिंदी और संस्कृत की आगे लिखेंगे, अनुवाद हिंदी के भी लिखेंगे और संस्कृत के भी लिखेंगे। ठीक है क्लास, सभी देखें एक बार ध्यान से। सभी ने किया, ये हमारी क्रिया है, फिर उसके पुरुष लिखे हैं हमने, फिर उसका क्या है वचन लिखे हैं। सभी बच्चे इनको अपनी बुक में अच्छे से फिल करेंगे। ओके क्लास, समझ में आया इतना? ये हमारे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज थी। आप सभी बच्चे इसको बैठकर रिवाइज करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।